जनपद में 5 पुलिस की टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में सुरक्षा को देखते हुए 5 टीमों को गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मुर्तजा अब्बासी द्वारा गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश में मंदिर में लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया गया था, जिसको देखते हुए 5 QRT टीम का गठन हुआ है। हर QRT टीम में एक उप निरीक्षक व 4 कांस्टेबल शामिल होंगे। इन 5 QRT टीम को गोरखा रेजिमेंट द्वारा खुखरी, चाकू सहित अन्य प्रकार के हथियार को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। यह ट्रेनिंग 3 दिनों तक चली है। अब QRT टीम VIP कार्यक्रम या अगर कोई घटना होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आगे वाला सर जी, एक और कोई वॉलंटियर जी, नया लड़का कोई जनपद गोरखपुर में मुख्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मुर्तजा द्वारा जैसे आतंकी हमले गोरखनाथ मंदिर में एवं CM सिक्योरिटी एवं विभिन्न प्रकार के VVIP कार्यक्रमों को देखते हुए 5 QRTs का गठन हुआ है। उन 5 QRT में एक सब इंस्पेक्टर लेड टीम होगी, जिसमें 4 जो है कांस्टेबल होंगे एवं एक सब इंस्पेक्टर होगा। ये 5 QRT को गोरखा रेजिमेंट द्वारा जो गोरखपुर में पोस्टेड हैं उनके NDA एवं मिलिट्री से स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्राप्त लोगों द्वारा इनको खुखरी, चाकू एवं बाकी अन्य प्रकार के हथियार, वेपन हैंडलिंग के साथ में इनको ट्रेनिंग दी गई है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी इनको 3 दिवस का स्पेशलाइज्ड कैप्सूल, जिसमें उन लोगों द्वारा ट्रेनिंग की गई है। अब ये लोग ट्रेनिंग पाके जब जब कोई भी VVIP प्रोग्राम होगा एवं अन्य किसी इस प्रकार की कंटिजेंसी या घटना की स्थिति में ये लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और ये QRT आज से ऑपरेशनल है।